टर्मिनेटर 2 ये मेरी पहली हॉलीवुड मूवी है जो मैंने बचपन में देखी थी टीवी पे, और इस मूवी को देखने के बाद ही मैं हॉलीवुड मूवी का लेवल समझ गया था। और ये मूवी मैंने कल फिर से देखी और मैंने एक चीज नोटिस की इस मूवी में कि इस मूवी के सारे एक्शन सीक्वेंसेस और स्पेशल इफेक्ट्स उतने ही स्ट्रांग है जितने मैंने पहले देखे थे और मुझे लगे थे उस वक्त, उतने ही स्ट्रांग है आज भी। ये मूवी 1991 में रिलीज हुई थी और फिर भी आज भी इसके सारे स्पेशल इफेक्ट्स और एक्शन सीक्वेंसेस रियलिस्टिक लगते हैं। और ऐसा क्यों? क्योंकि मूवी में बहुत सारे प्रैक्टिकल इफेक्ट्स यूज हुए हैं इसके लिए। वही आप इस मूवी के सीक्वेंस को देखोगे जो कि टर्मिनेटर जेनेसिस है और टर्मिनेटर डार्क फेट है, उन दोनों मूवीज के मुझे एक भी एक्शन सीक्वेंस आज याद नहीं है जो कि जस्ट 2015 एंड 2019 में रिलीज हुई थी। और इन दोनों मूवीज की स्टोरी तो आप छोड़ ही दो, इस सीरीज का कोई भी सीक्वल टर्मिनेटर 2 के लेवल को मैच नहीं कर पाया। और इसके लिए आज भी टर्मिनेटर 2 वन ऑफ द बेस्ट मूवी मानी जाती है इस सीरीज की। टर्मिनेटर 2 की स्टोरी शुरू होती है टर्मिनेटर 1 के 10 साल बाद, जहाँ पे सैरा कॉनर को एक मेंटल हॉस्पिटल में बंद कर दिया गया है और उनके बेटे जो है जॉन कॉनर वो उनके फॉस्टर पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं। नाउ फ्यूचर से दो रोबोट्स यानी दो टर्मिनेटर्स को भेजा जाता है, एक टर्मिनेटर को जॉन को प्रोटेक्ट करने के लिए जिसे खुद जॉन ने भेजा है, और दूसरा टर्मिनेटर जो है उसे स्काइनेट नाम के एक सुपर इंटेलिजेंस कंप्यूटर ने भेजा है जॉन को मारने के लिए। स्काइनेट एक आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस कंप्यूटर है जिसे खुद ह्यूमंस ने डिजाइन किया था, बट इसके एक्टिवेट होते ही इसने ह्यूमंस पे वॉर चालू कर दिया। और इस वॉर में जॉन कॉनर सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो ह्यूमंस के लीडर है फ्यूचर में, और इसके लिए स्काइनेट ने उसे मारने के लिए सबसे एडवांस टर्मिनेटर को भेजा है पास्ट में। एंड ये एडवांस टर्मिनेटर टर्मिनेटर सीरीज का सबसे बेस्ट विलन है जो किसी का भी शेप यानी रूप ले सकता है जिसे वो टच करता है उसका। और इस मूवी का मैं पूरा क्रेडिट दूंगा इसके डायरेक्टर जेम्स कैमरन को, जिन्हें सीक्वल्स का किंग माना जाता है पूरे हॉलीवुड में, जिन्होंने दो अलग अलग मूवी के सीक्वल्स उनके पहले पार्ट से भी काफी बेहतर बनाए, और वो है एलियंस और टर्मिनेटर 2। और ये दो मूवीज आज भी उतनी ही बेस्ट है जितनी पहले थी। टर्मिनेटर 2 के बाद टर्मिनेटर फ्रेंचाइज को फिर से रिस्टोर करने के लिए बहुत सारे डायरेक्टर्स ने ट्राई किया, बट कोई भी डायरेक्टर टर्मिनेटर 2 जैसा मैजिक फिर से क्रिएट नहीं कर पाया। और आगे के किसी भी सीक्वल में आपको वो इमोशनल डेप्थ नहीं दिखाई देगी जो टर्मिनेटर 2 में थी, जैसे जो इमोशनल बॉन्ड देखने मिलता है आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर और जॉन कॉनर के बीच, या फिर सैरा कॉनर और उसके बेटे जॉन कॉनर के बीच, वो और किसी भी सीक्वल में आपको नहीं दिखाई देगा, और इसके लिए वो सीक्वल ज्यादा नहीं चल पाए। और मैं स्पेशल मेंशन करना चाहूंगा लिंडा हैमिल्टन का, जिन्होंने सैरा कॉनर का रोल प्ले किया है इस मूवी में, और इस मूवी में वो कम्प्लीटली बैडास दिखाई गई है। एंड ये आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर का वन ऑफ द बेस्ट आइकॉनिक रोल है ये उनके करियर का, जिसे आज भी याद रखा जाता है। उनके इस मूवी में एक्सप्रेशंस, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके मसल्स और उनके जो वन लाइनर्स है मूवी में, वो आज भी रिपीट किए जाते हैं। तो ओवरऑल गाइस, टर्मिनेटर 2 डेफिनेटली मेरे टॉप 10 एक्शन मूवीज में आती है, और इसका मेरा फाइनल स्टेटस होगा डेफिनेटली अनफॉरगेटेबल। और इस मूवी को मैं स्टार्स दूंगा 4 out of 5 स्टार्स। और अगर आपने ये मूवी नहीं देखी तो आप इसे Amazon Prime में भी जाके देख सकते हो, ये वहां पे आपको मिल जाएगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की कौन सी एक्शन मूवी आपकी फेवरेट है। और अगर आप घर बैठे बोर हो रहे हो तो मेरे लॉकडाउन स्पेशल मूवीज की लिस्ट चेक कीजिए, जहां पे मैं बात कर रहा हूँ उन मूवीज के बारे में जो सिर्फ एक इनक्लोज स्पेस में शूट हुई थी, जैसे एक रूम हुआ, एक बंकर हुआ, या मूवी जो सिर्फ एक कार में शूट हुई है, उन मूवीज के मैं वहां पे बात कर रहा हूँ। सो यहाँ पे क्लिक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे अमेजिंग वीडियोज मैं डेली अपलोड करता हूँ। थैंक यू।